मरकुस 8:22-26 बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए। वो बैतसैदा में आया यीशु मसीह और एक अंधे को उसके पास लेकर आए। किसको लेकर के आए? अंधे को। किसको लेकर के आए विकास? अंधे को लेकर के आए। आगे और उससे विनती की, और लोगों ने यीशु मसीह से विनती की कि उसको छुए, कि यीशु मसीह आप प्लीज इस व्यक्ति को छुओ। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर, लेकिन यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, यीशु मसीह ने उस अंधे का हाथ पकड़ा। बोलो हाथ पकड़ा। आगे क्या लिखा है? उसे गांव के बाहर ले गया, उसको बैतसैदा के गांव के बाहर ले गया, और उसकी आंखों में थूक कर, उस पर हाथ रखे, उस पर हाथ रखा, और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? क्या तुझे दिखाई दे रहा है? उसने ये नहीं बोला कि चंगाई मिली कि नहीं मिली। यीशु मसीह ने क्या किया? इधर सुनेंगे, सब इधर देखें मुझे, आमीन। यीशु मसीह बैतसैदा में गया, लोग आए, बोले ये अंधा है, इसके लिए छू, उसके लिए प्रार्थना कर, ये चंगा हो जाए। यीशु मसीह ने क्या किया? उसका हाथ पकड़ा, खींच के गांव के बाहर ले गया, फिर प्रार्थना करा, फिर प्रार्थना किया और बोलता है क्या क्या दिख रहा है तेरे को, आमीन। उसने ये नहीं बोला कि चंगाई मिली कि नहीं मिली, वो बोल रहा है क्या क्या दिख रहा है तेरे को। आगे बढ़ेंगे। उसने आंख उठाकर कहा मैं मनुष्यों को देख रहा हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। वो तो मुझे पेड़ों जैसे दिख रहे हैं, मतलब आधी चंगाई मिली उसको। कैसी चंगाई मिली? आधी चंगाई। लेकिन यीशु मसीह डाउट नहीं किया। यीशु मसीह को मालूम है जिस समय मैंने प्रार्थना किया उस समय उत्तर आ गया है, आमीन। आगे क्या लिखा है? तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे, फिर यीशु मसीह ने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ को रखा, और अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया, और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, लेकिन यीशु मसीह ने उस अंधे को यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी रखना। प्रभु क्यों बोला ऐसा आपको पता है? अगर हम लोग लू का अध्याय 10:13 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हाय खुजरीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो लोग टाट ओढ़कर राख में बैठकर मन फिराते। बैतसैदा एक ऐसी जगह है जो कि अविश्वास से भरी हुई है। क्या है? अविश्वास से भरी हुई है, जहां पर लोग नेगेटिव बात करते हैं, जहां पर लोग समस्या की बात करते हैं, जहां पर लोग एक दूसरे की बात करते हैं। और अविश्वास की जगह वो होती है जहां पर लोग परमेश्वर की कम, एक दूसरे की बात ज्यादा करते हैं। और बैतसैदा एक ऐसी जगह जहां पर ऐसी जगह, बोलो अविश्वास की जगह, अविश्वास जहां पर संसारिक लोग संसारिक बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा। वो यीशु मसीह जानता है कि भाई अगर मैं इसके लिए प्रार्थना कर भी दूं, अविश्वास के कारण ये चंगाई नहीं पा पाएगा। किसके कारण? अविश्वास के कारण। इसीलिए आपका सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपकी दोस्ती इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जहां आप रहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां रह रहे हो। यीशु मसीह उसको चंगा करने के लिए उसको उस अविश्वास बैतसैदा के गांव से हाथ पकड़कर खींच के गांव से पहले बाहर लेकर आया, मतलब ऐसे समूह से बाहर लेकर आया ताकि वो उसके लिए प्रार्थना करे। और जब उसने प्रार्थना किया, यीशु मसीह जानता है ये अविश्वास से भरा हुआ है, इसको तुरंत चंगाई नहीं मिलेगी, इसका विश्वास बढ़ना है। फिर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। कई बार हमको दो बार भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। पहले प्रार्थना किया, उसको धुंधला दिखा, यीशु मसीह ने फिर प्रार्थना किया कि अंधकार की ताकत हो, इसको अलग करो। और बाइबल कहती दूसरी बार में वो साफ साफ देखने लगा, लेकिन यीशु मसीह ने उस भाई को चेतावनी दी, अब मेरी बात सुन, सीधे अपने घर जा, लेकिन इस अविश्वास के गांव में पैर मत रखना, इस अविश्वास के बैतसैदा में अपना पैर भी मत रखना, घुसना भी मत। क्यों नहीं घुसना? क्योंकि अगर वो घुस जाएगा तो जो चंगाई उसने पाई है वो खो देगा। हालेलुया। तो कई बार हमारे जीवन में जो हमारी प्रार्थना का जो उत्तर होता है, परमेश्वर ने रोक के नहीं रखा है, परमेश्वर ने नहीं पकड़ के रखा है। जिस दिन आप प्रार्थना करते हो उस दिन आपका उत्तर आ गया। आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मेरे पापा को बदल दो, हमारे कुछ लोग हैं प्रार्थना कर रहे हैं हमारे पिताजी को बदल दो, विश्वास में नहीं है, उसी समय प्रभु ने सुन चुका है। अब परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं परिस्थिति को नहीं लेकिन मैं आपको देख रहा हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं कि तूने मेरे पापा को बदल दिया है, मेरे पिता
पिताजी उद्धार में आ गए हैं, मेरे पिताजी बदल गए, लेकिन अब तू सुन ले शैतान, अपने हाथ को मेरे पिता की ओर से अलग कर, आमीन, और अपने आप को विश्वास में बढ़ाए ताकि जो मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है वो हो जाए। बाइबल कहती है तेरे विश्वास करने के द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, ये नहीं लिखा है तेरा पापा विश्वास करेगा तभी उद्धार पाएगा, तेरे विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया, समझ में आ रहा है चर्च? रिसीव कर रहे हैं हम लोग। तो जिस दिन आपने प्रार्थना की, लॉर्ड आई नीड मनी, मैं भी कुछ चीजों के लिए, वी नीड मनी, हमें पैसों की जरूरत है कि नहीं है, रेंट देना है, आमीन, पेट्रोल करना है, प्रार्थना से थोड़ी ना गाड़ी चलती है, पैसों से चलती है, है ना, चलती है कि नहीं? Yes. चलती है ना। परमेश्वर अगर ऐसे ही करता रहा, आसमान से ही गिराता सब कुछ, तो यूसुफ को क्यों बोलता भंडार घर बना? फिर क्यों परमेश्वर बोना और काटना सिखा रहा? वो बोलता ना हाथ हाथ उठा लो, उपवास करो और राशन गिरेगा ऊपर से, ऐसा नहीं होता। आमीन। अगर आप में से बहुत से लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियली जूझ रहे होंगे और हमको समझ में आ रहा परमेश्वर क्या करे। जिस दिन आपने प्रार्थना करी है कि प्रभु आपका वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस महिमा के धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है मेरी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, प्रभु तेरा वचन कहता धन्यवाद प्रभु जो मैं 50 लाख मांग रहा हूँ, धन्यवाद आपने मुझे दे दिया, उसी समय आपके अकाउंट में आ गया है, लेकिन वो बीच में कहीं रुका है, या तो मेरे अविश्वास के कारण या तो शैतानी हमलों के कारण। और जब हम लोग विश्वास कर लेते कि प्रभु तूने मुझे दे दिया, आई प्रेड फॉर 5 लाख, थैंक यू लॉर्ड, इट इज इन माई अकाउंट, आमीन, और आप बोलना चालू करें कि मेरे अकाउंट में पैसा है, मेरे अकाउंट में है, यीशु के नाम से है, वो है, मैं देख नहीं पा रहा हूं लेकिन धन्यवाद आपने दे दिया है, और जो चीजें पकड़ के रखी यीशु के नाम से अपने हाथ को अलग करो। गॉड विल यूज पीपल, हालेलुया, अपने आप डोर्स विल ओपन, अपने आप सब कुछ ही होगी, लेकिन हमारे साथ ये गलती हो जाती है उस व्यक्ति के समान जो 2 साल से अपने घर को बेचने के लिए तैयार था, क्या प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आप दो आप दो आप दो आप दो, लेकिन प्रभु के पास तो है नहीं ना, प्रभु ने तो दे दिया है, आमीन, लेकिन हमें मिला क्यों नहीं है, कि कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें, या तो मेरे जीवन के द्वारा, या तो मेरे अविश्वास के द्वारा, और या तो फिर शैतानी हमलों के द्वारा। और प्रभु ने हमें अधिकार को देकर के रखा है, सांप और बिच्छू पर अधिकार दिया है, हम जो बोलेंगे वो होगा, आमीन, हम शैतान को लताड़ेंगे वो लताड़ा जाएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। और कई बार हमारे अविश्वास के चलते परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करना चाहता, क्योंकि मालूम है ये लोग का जो ग्रुप बना हुआ है वो सिर्फ अविश्वास की बातें कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने बैतसदा से उस अंधे को निकाला, उसके लिए प्रार्थना किया, फिर भी वो चंगा नहीं हुआ, फिर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, वो बोलता मैं साफ साफ देख रहा हूं, फिर यीशु मसीह ने बोला कि वापस उस दल में मत जाना वरना तू फिर वैसा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च में आज आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं, मेरे को बोलना तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन समय कम है, आप इस वचन से सीखें, जिस समय आप प्रार्थना करते हैं चर्च, उसी समय आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। जिस दिन आपने प्रार्थना कर लिया प्रभु की इच्छा के अनुसार, बाइबल कहती है दो चित्ता व्यक्ति ये ना समझे कि उसको परमेश्वर से कुछ मिलेगा, आमीन। जिस समय आपने प्रार्थना किया कि लॉर्ड आई नीड, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी कर रहा, कोई है यहाँ पे जो BMW मर्सिडीज मांग रहा है? ऐसा तो कोई होगा नहीं, आमीन। लोग वही मांग रहे होंगे जो आज आपको जरूरत है, आमीन, आमीन। आप वही मांग रहे होंगे ना कि प्रभु मेरे घर पे मुझे राशन की जरूरत है, प्रभु मुझे शक्कर चाहिए, प्रभु मुझे फीस पे करना है, कौन सा हम बड़ा मांग रहे हैं, हम जरूरतें मांग रहे ना, वो खुदावन हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला ईश्वर है ना, वो हमारा परमेश्वर है ना जो जरूरतों को पूरी करता है, कोई हम बड़ी चीज मांग रहे हैं जो हम घमंड से मांग रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए मांग रहे हैं, नहीं नहीं, हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करने के लिए तो जॉब मांग रहे हैं ना, हम पैसा इसलिए मांग रहे ना कि प्रभु मैं फ्री होकर के तेरी आराधना कर सकूं, मैं फंसू ना इन सब चक्करों में, हम यही कर रहे हैं ना। लेकिन जिस दिन आपने प्रार्थना किया चर्च, उसी दिन बाइबिल के अनुसार हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, प्रभु सुन लेता है, उत्तर निकल जाता है, स्वर्ग खुल जाता है, लेकिन हमारे पास कई बार कुछ चीजें 3 मिनट में आ जाती है और कुछ चीजें 3 हफ्तों में आ जाती है, लेकिन हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, हमें लगे रहना है, लेकिन हमें यह विश्वास करना है कि प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने मुझे उत्तर दे दिया है, मैं धन्यवाद देता हूं और टंग्स में प्रार्थना करना है। हालेलुया।